नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। मध्य प्रदेश में ट्रेन में हुए ब्लास्ट और लखनऊ में आतंकी सैफुल्ला की जांच जो है वो अब एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में आतंकी वारदात पर बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब तक आतंकी घटनाओं के सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और एटीएस की कार्रवाई पुख्ता सबूत मिलने के बाद की गई है। इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस को ट्रेन ब्लास्ट में आईएसआईएस के लिंक के कुछ और सबूत मिले हैं। धमाके के लिए जिस पाइप का इस्तेमाल किया गया था, उस पाइप पर आईएसआईएस के नारे लिखे हुए थे। पाइप पर लिखा है, इस्लामिक स्टेट, वी आर इन इंडिया। घटना के अन्वेषण के संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया गया। तदोपरांत प्राप्त आसूचना के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा होशंगाबाद जिले के पिपरिया नामक स्थान पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। संदेहियों से की गई पूछताछ में उपरोक्त घटना में उनकी सहभागिता स्पष्ट होने से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। संदेहियों से की गई पूछताछ तथा अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लखनऊ, इटावा, कानपुर व औरैया में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। लखनऊ में काकोरी थाना अंतर्गत हाजी कॉलोनी स्थित एक मकान में कानपुर निवासी मोहम्मद सैफुल्ला उर्फ अली के किराए पर रहने की सूचना प्राप्त हुई। एटीएस टीम द्वारा सैफुल्ला के कमरे में प्रवेश किया गया तथा आमने सामने हुई मुठभेड़ में इस संदिग्ध आतंकी को मार गिराया गया। मृतक के कमरे से 8 पिस्टल, 630 जिंदा कारतूस तथा अन्य सामग्री जिसमें 1.5 लाख रुपए नगद, लगभग 45 ग्राम सोना, 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, 2 वाकी टाकी सेट और कुछ विदेशी मुद्रा सम्मिलित है बरामद की गई। एटीएस कानपुर इकाई द्वारा जाजमऊ थाना क्षेत्र से एक अन्य संदेही को गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य अभियुक्तों, जिनमें से एक इटावा व एक औरैया से है, वो भी उपरोक्त संदिग्ध आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए से कराई जाएगी। तो एमपी ब्लास्ट और लखनऊ एनकाउंटर के बारे में जानकारी दी आज लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने। और कल आपको याद होगा, कांग्रेस नेता पीसी चाको ने गिरफ्तार संदिग्धों और लखनऊ में मारे गए आतंकी का आईएसआईएस से संबंधों पर सबूत मांगे थे। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि देश के सवाल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वहीं बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। देखिए, किसने क्या काम, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उसके परिवार वालों को जब कोई इतराज नहीं है। मैंने उसके पिताजी का बयान पढ़ रहा था, तो जब परिवार वालों को कोई इतराज नहीं है तो फिर किसी को कोई इतराज करने का क्या सवाल उठता। बाकी भी सारी जांचें चल रही हैं और देश के से जहां पर प्रश्न हो वहां पर मैं चाहूंगा राजनीतिकरण ना हो। जो पुलिस अभी जांच कर रही है, अभी जांच आ जाने दो, लेकिन ये बात तो ठीक ही है कि वो आतंकवादी तो था ही, इतना सारा कुछ वहाँ सामान मिला है, और नहीं था तो उसको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था। और उधर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने मुस्लिम युवकों से आईएसआईएस जैसी सोच से दूर रहने की नसीहत दी है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत की। ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड थे लड़के ये, और इनका आईएसआईएस से कोई ताल्लुकात अभी तक नहीं निकले हैं, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि इनके पास हथियार निकला। और उससे बड़ी बात यह है कि इनके वालिद ने और इनके भाई ने खुद ये कह दिया कि हम इसकी लाश को तक नहीं लेंगे। तो यकीनन ये जो लड़का था, इसके अजायम बुरे थे, और जब उनके वालिद खुद ये कह रहे हैं कि ये गलत रास्ते पर चला गया, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम को कोशिश करनी चाहिए, पैगाम देना चाहिए कि वायलेंस हो या तशद्दुद हो, इससे कोई हासिल होने वाली चीज़ नहीं है।
वैसे आज कांग्रेस के सुर जरूर कुछ बदले बदले से हैं। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस हमेशा ही खड़ी रही है, और वहीं बीजेपी ने हर मुद्दे पर सियासत न करने की नसीहत दी है। और जो भी सुरक्षा एजेंसियों को दिशा निर्देश देने वाली संस्थाएं हैं, वो अपने स्तर पर ये सारे के सारे प्रकरण और उस प्रकरण से जुड़े हुए लिंक का अपनी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और जो भी उसमें जिम्मेदार और जो भी उसमें दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ये बात स्पष्ट है। इसलिए जो है, इस पर हम सियासत करें, इस पर हम तूतू मैं करें, मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है। कांग्रेस ने इस इनकाउंटर पर कोई सवाल नहीं खड़े किए। जो भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका समर्थन करती है। और बहुत अच्छी बात है, सैफुल्ला जो आतंकवादी थे और जो इनकाउंटर में मारे गए, उनके पिता ने एक देशभक्ति का एक अद्भुत नमूना पेश किया है। उन्होंने कहा, जो देश के खिलाफ करेगा उसका कोई समर्थन नहीं, और मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए कि मेरा बेटा है, और उन्होंने उनका शव लेने से इनकार किया है। और वहीं जेडीयू और एनसीपी की बात करें तो उन्होंने भी आतंक के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, सुरक्षा कर्मियों के जो प्रयास हैं, उन पर उंगली उठाना या संदेह करना ठीक नहीं है। कानपुर रेल हादसे के एक अभियुक्त को बिहार में भी गिरफ्तार करके इंट्रोगेट किया गया था, लेकिन पूरी जानकारी के बगैर अधूरी जानकारी में संगठनों के नाम नहीं लिए जाने चाहिए। एक प्रकार से अवेयरनेस होना चाहिए, वो नहीं है। सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो और इस एक्शन लिया जाए। लेकिन अच्छी बात है कि अगर वो आतंकवादी पकड़ा गया या मारा गया तो ये एक अच्छी उपलब्धि है। कम से कम भारत में आईएसआईएस का कोई यहाँ उसका वजूद नहीं होना चाहिए, और उसमें सारा देश एक है। तो देखा आपने, लखनऊ एनकाउंटर पर ये राजनीतिक बयानबाजी तो हो ही रही है, और साथ ही साथ दिल्ली और एनसीआर में अलर्ट भी जारी किया गया है। पुलिस को दरअसल शक है कि खुरासान मॉड्यूल के दो आतंकी दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, जो यहां बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। अलर्ट के बाद दिल्ली में संसद और आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबर यह है कि दोनों आतंकी वाराणसी के सारनाथ समेत बाराबंकी में हमला करने की फिराक में थे, लेकिन यूपी में अलर्ट के बाद आतंकियों ने दिल्ली की तरफ का रुख कर लिया है। अलर्ट के बाद दिल्ली के पहाड़गंज और आसपास के होटलों में स्पेशल सेल ने जांच शुरू कर दी है, और अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा का हाल जाना। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने उनकी रिपोर्ट देखी। लखनऊ में हुए एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक खुरासान मॉड्यूल के दो आतंकी दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, जिनके पास विस्फोटक होने की संभावना है, और वो होली के आसपास किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर निशाना बना सकते हैं, मॉल को टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए तमाम भीड़ भाड़ वाली जगह पर हाई अलर्ट जारी किया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और साथ ही जितने भी होटल और गेस्ट हाउस है पहाड़गंज के इलाके में, वहां पर चेकिंग शुरू कर दी गई है, और जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन पर खास नज़र रखी जा रही है, क्योंकि एजेंसियों को मोहम्मद फैजल, जिसको गिरफ्तार किया गया, उसके लैपटॉप से कुछ विस्फोटक, जो बम बनाने का सामान था, उसके कुछ वीडियोस मिले हैं। प्रेशर कुकर बम और मोबाइल बम बनाने के वीडियो हैं, उसको देखते हुए जो खुरासान मॉड्यूल है उसके जो आतंकी हैं वो राजधानी दिल्ली में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।